welcome back to my channel. Hope you are doing well. So guys, today's video is that I have created a glitter eye look. तो थॉट आपसे शेयर करूं इन डिटेल. माय मिस्टेकली मेरे से डिलीट हो गया है तो आई थॉट आपसे मैं ये इंट्रो कर लूं. सो इट्स अ वेरी इजी आई लुक जो मैंने किया है एंड विद द हेल्प ऑफ टू कलर्स आपका ये आई लुक बहुत इजीली क्रिएट हो जाता है और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी. जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. आई विल ट्राई टू मेक सच वीडियोस मोर. आपको भी उसमें हेल्प मिलेगा कौन से प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो. फिर वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन इन दिस वीडियो. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो कम टू माई चैनल फर्स्ट टाइम. हाई दिस इज फेनिल. आई मेक वीडियोज ऑन मेकअप स्किन केयर ट्रेवल एक्सेट्रा एनी मोर. होप आपके वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो. शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Now let's begin with this video. Even I have an Instagram handle too. I'll link in the description. Please follow there. So guys, you can see कि मैंने makeup कर लिया है. Eyeshadow start करते हैं. I'll show you. इसके ये eyeshadow के लिए आपको सिर्फ दो shade की जरूरत है. एक है grey color and then glitter. बस that's it. दो eyeshadow में ही आपका ये look बहुत amazing आएगा. Conceal कर लिया है. So for today eyeshadow look, I'm taking the palette from Faces 04. 04 द पैलेट नेम इज मरमेड 04. अगर आप एक ग्रे कलर देख सकते हो बहुत सटल सा है एंड मैट फिनिशिंग वाला है. तो आई लव दिस शेड. फॉर ब्लेंडिंग दिस ब्रश इज फ्रॉम रियल. थोड़ा थोड़ा अमाउंट लूंगी ग्रे कलर का एंड आई विल जस्ट प्लेस ओवरऑल माई लिड. बहुत पिगमेंटेड कलर है. आईज लिड पे मैं जस्ट ऐसे पहले प्लेस कर लूंगी एंड फिर उसके बाद मैं ना ब्लेंड करूंगी. आई शेडो के लिए भी आपको ना अच्छे से ब्लेंड करना होगा. बहुत लोगों को ना बहुत इजीली हो जाता है बिकॉज आई गेस दे आर प्रैक्टिस्ड और व्हाट आई डोंट नो. मुझे ना टाइम लगता है ऐसे ब्लेंडिंग करने में या फिर ये आई शेडो बनाने में. तो आई रियली टेक सम टाइम गुड अमाउंट ऑफ टाइम व्हाइल मेकिंग दिस. मैं इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बाहर लूंगी अपने क्रीज से. फिर हम उसको बाद में एंड में सेट कर लेंगे. मेकअप आपकी कोई भी पार्टी में चलेगा एंड दिस इज लाइक वेरी मच ऑन गोइंग आई लुक है ये. यू रियली नीड हार्डली टू कलर्स तो इट्स रियली वेरी गुड एंड इजी गोइंग ऑल्सो. तो दैट्स वाई फाउंड दिस मच आई मीन दिस आई लुक वेरी गुड एंड लाइक टू शेयर विथ यू. यहाँ पे मैंने अपना ग्रे कलर प्लेस कर लिया है. अभी मैं ये आई भी कम्प्लीट करके जल्दी आती हूँ. अभी मैं एक दूसरा ब्रश लूंगी वो भी आर्टी का ही है. अभी उसको मैं जो भी आई शेडो लगाया ना उसको मैं ऐसे सॉफ्ट करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश. बिकॉज अगर ऐसे लगेगा कि बहुत पैची है या फिर ओवर लग रहा है तो ये क्लियर आउट करेगा एंड उसको सॉफ्ट कर देगा लाइक इवन कर देगा. सो दिस इज अ टेक्निक लाइक इवन करने के लिए फॉर आई शेडो. अभी मैं यहाँ पे काजल पेंसिल लूंगी और मैं ये ले रही हूँ फेसेस का. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू आपको लगाना है या नहीं लगाना है. मैं इसको अपने वाटर लाइन में लगाऊंगी एंड अपर लिड में लगाऊंगी. अभी जिसकी छोटी आईज है वो ये स्किप कर लीजिए एंड जिसकी बड़ी आईज है जैसे आप कलर भी दिखेगा लाइनर भी दिखेगा एंड दिस एंड ग्लिटर भी दिखेगा. तो ये जिसकी बड़ी आईज है ना वो ये कर सकते हैं बट जिसकी जो वाटर लिड छोटा है ना वो मत लगाइए स्किप कर दीजिए. अभी मैं इसको ऐसे अपने आई लिड पे लगाऊंगी. नाउ आई टेक दिस प्रिसाइज ब्रश एंड ये है कफ एंड लैशेस का स्मॉल डोम ब्रश नंबर CS03. अभी मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. ये देखो आपको ऐसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और ये सॉफ्ट हो जाएगा. ब्लेंड करोगे तो दिखेगा भी आपका काइंड ऑफ. नाउ आई विल टेक द ग्लिटर आई शेडो और वो आज मैं लूंगी रेवोल्यूशन से मेकअप रेवोल्यूशन यूजिंग दिस वन. मैं एक फ्लैट ब्रश लूंगी. फ्लैट ब्रश आई विल टेक दिस ग्रे कलर एंड आई विल जस्ट प्लेस लाइक दिस. इसको है ना ग्लिटर को लेके जस्ट प्लेस कीजिए. बहुत पिगमेंटेड कलर है. जस्ट मैं प्लेस कर रही हूँ अभी. तो अभी हमारे जो आई के बाहर आ गया ना उसको हमको क्लियर करना है या फिर शेप में लाना है. तो जस्ट प्लेस योर कंसीलर लाइक दिस. हम उसको ब्लेंड कर लीजिए. के हाथों से ब्लेंड करेंगे इजीली रिमूव भी हो जाएगा कि आई शेडो एकदम शेप में लगेगी
एंड क्लियर भी लगेगी, जो आपका डस्ट होगा या फिर फॉल्स होगा ना, कुछ भी आई शेड होगा वो सब निकल जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा एंड आईज विल रियली लुक ब्राइट, और आपका जो कलर्स है वो एनहेंस हो क्या आएगा। अगेन आई विल टेक द काजल पेंसिल और मैं अपने वॉटर लाइन में लगाऊंगी। अगेन विद दिस प्रिसाइज ब्रश मैं इसको ब्लेंड करूंगी अच्छे से। हेल्प ऑफ द सेम पैलेट आई विल टेक दिस वाइट ग्लिटर। नाउ आई प्लेस दिस ग्लिटर वाला रोबन ताकि उठ के आए। नाउ अगेन प्लेस दिस इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज विद द हेल्प ऑफ द सेम ब्रश। Now I'll complete the overall face look and get back to you guys. So this was the final face look. I mean ये आई शेडो जो मैंने क्रिएट किया, मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, होप आपको ये समझा होगा। नहीं समझा तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन कीजिए, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू मोर। आई होप आपको ये आई लुक अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू गाइज, थैंक यू।